मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अवर यूट्यूब चैनल इज नवजीवन गर्साना। आज लास्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको एक ग्रामर का पार्ट करवा रही हूँ और ग्रामर के पार्ट में आज हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। जब आप स्कूल से लीव लेते हो, जब आपको घर पर कोई वर्क हो जाता है तो उसके लिए आपको स्कूल में एक एप्लीकेशन देनी होती है, तो उस एप्लीकेशन का पैटर्न है वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखे हैं एड्रेस। ये एड्रेस होता है उस जगह का जहाँ आपका स्कूल होता है। तो आपका स्कूल किस कॉलोनी में है? आपका स्कूल है अमर कॉलोनी में, तो AMAR अमर COLONY कॉलोनी, अमर कॉलोनी। और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने न्यू गर्साना। अभी न्यू गर्साना मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये अमर कॉलोनी है ये कौन से शहर में है? न्यू गर्साना में। तो आपकी सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी? न्यू गर्साना। उसके बाद में हम लिखेंगे डेट। अब ये डेट आपने कैसे लिखनी है देखिए, मैंने लिखा है मई 19 2020। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 19 को पहले लिखते हैं, उसके बाद में मई लिखते हैं और फिर ये जो है आपका ईयर लिखते हैं। ये रॉन्ग पैटर्न होता है। इंग्लिश में अपने एप्लीकेशन है जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश का जो डेट लिखने का पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि जो मंथ होता है वो पहले लिखा जाता है और जो डेट होती है वो मंथ के बाद में लिखी जाती है। इसलिए आप इसको इस लेटर से लिखोगे। पहले मैंने लिखा है मंथ मई चल रहा है, उसके बाद में आज की डेट लिखी है 19, आज डेट 19 है, और उसके बाद में 2020 जो कि अपना ईयर चल रहा है। ये तो हो गया आपका एड्रेस और ये हो गया आपकी आज की डेट। ये डेट उस दिन की होती है जिस दिन आपने एप्लीकेशन लिखी है। जैसे मैं आपको आज की डेट में एप्लीकेशन करवा रही हूँ तो मैंने आज की डेट लिखी है। जिस दिन आपने लीव लेनी होती है आप उस दिन की डेट आप इस यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ द प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अपना स्कूल का जो हेड होता है, अपने एप्लीकेशन है वो किसे दे रहे हैं? प्रिंसिपल मैम को दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल लिखा है। उसके बाद में हमें लिखा है अपने स्कूल का नेम। क्या नेम है अपने स्कूल का? नवजीवन चिल्ड्रन अकेडमी, NAV NAVJEEVAN जीवन CHILDREN चिल्ड्रन ACADEMY अकेडमी, नवजीवन चिल्ड्रन अकेडमी। ये अपने क्या हो जाएगा? ये अपने स्कूल का नेम हो जाएगा। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू गर्साना। अभी न्यू गर्साना क्यों लिखा है? क्योंकि जो अपना स्कूल का नेम लिखा है उसके बाद में यहाँ पे अपने न्यू गर्साना लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो स्कूल है ये अपना कहाँ पर है? न्यू गर्साना में है, मतलब सिटी का नेम लिखा है। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे मैम, क्योंकि देखो यहाँ कई लोग बच्चे ना सर भी लिखते हैं, लेकिन वो इसमें इसलिए लिखा जाता है कि जो अपना प्रिंसिपल है वो सर है या मैम है, तो अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो मैम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैम लिखा है। अब मैंने मैम भी कैसे लिखा है देखिए, MA लिखा है, उसके बाद में ये मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है, उसके बाद में मैंने दोबारा MA लिखा है और फिर M लिखा है, ये बन जाता है हमारा मैम। नेक्स्ट लाइन लिखी है मैंने RESPECT रिस्पेक्ट, FULLY फुली रिस्पेक्टफुली, मतलब कि विनम्रतापूर्वक। आई बैग टू से दैट, मैं ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ दैट कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, कि मुझे आज, अर्जेंट का मतलब क्या होता है? जरूरी, एन का मतलब ए या एन का मतलब होता है एक, एक जरूरी जो पीस ऑफ वर्क, एक जरूरी काम एट माई होम मेरे घर पर हो गया है। तो ये मैं आज आपको हाफ एप्लीकेशन करवा रही हूँ, हाफ मैं करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। थैंक यू।